शब्द आते ही गंगा घाट, आरती, पूजा पाठ, मंदिर, शिव, साधु संत, सन्यासी, तमाम तस्वीरें जेहन में तैरने लगती हैं। और अगर हम कहें कि वाराणसी शब्द सुनते ही आने वाले दिनों में शानदार क्रूज की तस्वीर जेहन में आने लगेगी, तब क्या होगा? रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे आप। ये कहानी एक क्रूज की है, बनारस की है, गंगा की है, घंटा घड़ियाल घाटों की है। और ये कहानी इसी क्रूज से शुरू होती है और खत्म बनारस के घाटों पर होती है, तो इसे पहले जी भर के निहार लीजिए। जी, इस क्रूज में सब कुछ है। सोफे नुमा सीट, फुली एसी पैक्ड है, एलईडी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऊपर नीचे दोनों ही जगह वुडन फ्लोरिंग है ना आलीशान। और जब ये वाराणसी की गंगा में चलेगा तो जाहिर है नजारा कुछ और ही होगा। क्रूज डबल डेकर है, ऊपर नीचे दोनों जगह बैठने की व्यवस्था है। ऊपर 24 सीटें और नीचे 60, यानी कुल 84 सीटें हैं, लेकिन बुकिंग 60 सीटों की ही होगी। क्रूज में पेंट्री कार है और एयरप्लेन की तर्ज पर ट्रॉली के जरिए फूड सर्व किया जाएगा। गंगा सफाई को ध्यान में रखते हुए इसमें बायो टॉयलेट बनाया गया है। डबल डेकर क्रूज है, नीचे का जो लोअर डेक है ये पूरी तरह से वातानुकूलित है। दोनों डेक पे वॉशरूम्स की सुविधा दी गई है यात्रियों की सुविधा के लिए। अपर डेक जो है वो रूफ कवर्ड है, साइड से ओपन है, जिसमें कि जिसको नेचर का या सीजन का लुत्फ लेना है, जिस पर्यटक को, वो अपर डेक से पूरी तरह से ले सकता है। इसी क्रूज से अब सैलानियों को गंगा की सैर कराने की तैयारी हो चली है और गंगा आरती को अब इस क्रूज से भी देखा जा सकेगा। क्रूज 80 घाट से चलेगा और कोशिश इसे चुनार के किले तक ले जाने की होगी। क्रूज को नॉर्डिक क्रूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएगी। क्रूज का किराया ₹750 प्लस GST। सेमिनार, पार्टी और कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और लाइफ गार्ड्स भी मौजूद रहेंगे। क्रूज का उद्घाटन 15 अगस्त तक होने की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी तो बारिश के मौसम में गंगा में पानी है, लेकिन बाकी दिनों में क्या होगा? क्योंकि गर्मी के मौसम में गंगा में पानी कम हो जाता है और ऐसी तस्वीरें सामने आती है। इसमें क्रूज कैसे और कितना चलेगा, ये सवाल तो है ही, और क्रूज कंपनी भी इस चुनौती से वाकिफ है। यहाँ पे काशी का एक अच्छा है कि कम से कम पानी के लेवल पे भी हम लोगों को लोकल लेवल पे संचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो कि पानी की अवेलेबिलिटी पे निर्भर करेंगी। तो क्रूज वाराणसी की गंगा में चले, इसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर्याप्त पानी हो, और हकीकत ये कि उस दिशा में कोई ध्यान देता नहीं। तो ऐसे में क्रूज एक आध महीने चल भी जाए तो क्या होगा? ये है ABP News, आपको रखे आगे।